भाई पुण्य की फरमाइश हुई, कोशिश करेंगे। सदनो चंद्रगुप्त और धर्ममाल की बेली बहुन लेके चलिया, फिर चलता कर दिया झाज झमाझम होरी पानी में। बेली सुरती की दोनों वर में लग रही थी लगन सही, अर की अर में जैसे समंदर में करके कला झगड़ रहे दो बाज तीसरी जान बनानी पे। सजनों रास्ते में न्यू पूछन लगी, देखिए उदयवीर भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। ईसा तो देखो जो डाकी तो चिंता होंदा, हम तो नुको हाँ हे परमात्मा हे दादा लक्ष्मी चंद, इतना सूरज चांद रहे इतना आपका नाम रहेगा भाई, नहीं तो कह दो को बुढ़ब को 90-95 साल लगा उस पर छुपी बेसक पाजो, नहीं तो सारी ये सुनी सुनाई बातें हो। तो सजनो 100 रुपए से मान सम्मान करते बोली, हे महाराज अपना के जाल बाल है। सजनों अपना तो प्रकट करता चंद्रगुप्त क्या कहता है, कैसे क्या अंतराम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद करते धन्यवाद। बहुत बढ़िया धुन है, बहुत पुरानी देसी सांग की तरज है। और
ये दरम्माल की मैं नहीं गा पाऊंगा इस धुन को, क्योंकि इसके बोल चोकलिया रागनी नहीं है, ये थोड़े छोटे बोल हैं, तुमने खिस्सा बदलना पड़ेगा पोनी भाई। हाँ, क्योंकि तर्ज के हिसाब उन्होंने सुड़न सुड़न का थोड़ा है, रंग तो रंग के हिसाब से गा आड़े बैठा दू बना लू मैं। इवो आया था बुढ़ा कहन बोला नई पुरानी तो माँ भी हो गया, गौशाला में दिया उन्हें, बाबुआ ने दिया, तन्ना बाड़े छोड़ा हो तो यो पुराना हो गया। मैं नू को हूं ये नू कहते कि भाई धर्माल कीमत है गालियो। हाँ, तेरा पूरे कीमत दिमाग में घूम रही। संभल मुरादाबाद में राजा देवदत्त, तीन रानियां लेकिन संतान नहीं, यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने जब पूर्ण आहुति के लिए कहा तो राजा रानी खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि मांगिए, कि क्या मांगे घर में, मैला में गोर घोर अंधेरा है, तीनों रानी आपस में जूत बजाती फिरे जा रहे। ब्राह्मण कहते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा, तेरी रानी फूल कवार के जन्म का एक लाल कवर के माथे मचन हो, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ग्रहों की चाल से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं इस लड़के को पैदा होते ही वन में ना जाना पड़ जाए। मांगे राम कर्म पर सोए, किसे मार्ग में काटे बोए, ब्राह्मण रोए लगन विचार के, उन्हीं की ग्रह चाल बिचारी ने एकली न बनो, तेरी रानी फूल कवार के जन्म गा एक लाल कवर के माथे मचन। के उस समय को हम देखेंगे, आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण लोग, राजा देवदत्त कहते हैं रानी फूल कवार से के इनके पाप पूज ले, ये ब्राह्मण लोग हैं, इनके दिए दिन होंगे। वो राजा देवदत्त उस रानी फूल कवार को समझाता है, क्या कह रहा है, वरदान रानी ये पाय हपड़ के ले, और जिस दिन लड़का हो जा कुछ धन न ब्राह्मणा ने दे,
जी और अंतराम जी दोनों 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ भी बोला रे रानी बेरा ना, कद परमात्मा सुनेगा कद तकदीर जागेगी वो दिन होंगे, इब तक कुछ भी ता अच्छा कोने लगता। Oh,
राम जी और बलवान बागड़ी जी सौ सौ रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। फूले पंडित जी और अतिपाल सौ सौ रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। धन्यवाद। रह जाएंगी तन माया की बोरी।